वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप एवरीवन इज फाइन एंड फिट एट होम। टुडे आई एम हियर टू टेक क्लास 5th मैथ चैप्टर 6 डेसिमल। बट आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 44। उसका क्वेश्चन फर्स्ट है मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने कल भी अपनी क्लास में मल्टीप्लाई डिस्कस किया था, आज हम फिर से मल्टीप्लाई के सम्स करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हम स्टार्टिंग में मैंने आपको कल भी समझाया था, हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली वी मल्टीप्लाई, किनकी मल्टीप्लाई करवानी है हमें? 15 बाय 0.9 है ना, इट मीन 9 से करवा दीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में हम ये डेसिमल पॉइंट भूल जाते हैं कि हमारे पास डेसिमल लगा हुआ है। जैसे ये 1.5 है तो आप इसको 15 समझिए। अभी लास्ट में डेसिमल को देखेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, लास्ट में हम देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर पुट करना है। ठीक है, और यहाँ पर 0.9 है तो इसको मैंने 9 लिख दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे, 15 की 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 9 by 45, 5 by 4 कैरी आ गया, 45 की लास्ट की जो डिजिट है वो नीचे और आगे की डिजिट क्या है। ठीक है, 9 में 4 को ऐड करेंगे, 13, 9 plus 4 13। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ गया? 135। अब हमें क्या करना है, देखिए बेटा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है। 1.5 जो है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। 0.9 भी था, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो गई। तो टोटल कितने डिजिट हो गए अगर इनको काउंट करते हैं? 1 और 1 2 डिजिट। ठीक है, तो यही लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस Sum of decimal places in given decimals. हमें सम करवाना है डेसिमल प्लेसेस का। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो हम इनका सम करवा देंगे। तो 1 plus 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 1.5 की मल्टीप्लाई करवा रहे 0.9 से, तो कितना आया हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने के बाद? 135। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करें? डेसिमल पॉइंट तो हमें नहीं बताया आंसर में, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा बेटा? लास्ट से 2 डिजिट पहले। 135 आ गया, अब हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो देखिए, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल सम करते हैं 1 और 1 2, तो मतलब लास्ट से 2 डिजिट छोड़ दो, इससे पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। सो द आंसर इज 1.35। ठीक है बेटा, करा क्या है हमने? देखो, आपको सबको मल्टीप्लाई करवानी आती है, मैंने नॉर्मल मल्टीप्लाई ही करवाई है। स्टार्टिंग में आप डेसिमल पॉइंट हटा दिया करो, विदाउट डेसिमल पॉइंट के मल्टीप्लाई करवा दी, विदाउट डेसिमल पॉइंट के मल्टीप्लाई। अब डेसिमल पॉइंट तो लगाना तो है ना आंसर में, अब चेक करो कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद थी 1 डिजिट और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटल होती है 2 डिजिट। सम करने के बाद 1 और 1 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गया ना। तो लास्टली फाइनली आंसर में क्या है बेटा, ये जो 135 आया था इसको लिखिए और लास्ट से 2 डिजिट छोड़ दीजिए, 1 2, उससे पहले डेसिमल पॉइंट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। बेटा इस क्वेश्चन में है ना पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन होना सब में सेम ही है, सब में मल्टीप्लाई होनी।
स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई आपको आती है क्योंकि आपने स्टार्टिंग के चैप्टर में टू डिजिट से, थ्री डिजिट से, वन डिजिट से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो होनी तो मल्टीप्लाई है। और लास्ट में वो डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे फर्स्टली वी डू, फर्स्टली वी डू मल्टीप्लाई सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फोर बाय 876। पहले हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया मैंने, ध्यान से देखिए, विदाउट डेसिमल पॉइंट सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, लास्ट में भी डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली मल्टीप्लाई 7,564 बाय 876, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले सिक्स की फोर से मल्टीप्लाई होगी, फिर सिक्स की सिक्स से होगी, फिर सिक्स की फाइव से, फिर सिक्स की सेवन से। बेटा मल्टीप्लाई आप सभी को आती है, जितने भी सम्स है सब में ही मल्टीप्लाई होनी है, तो आपको मैं दो तीन सम्स करवा देती हूँ, उसके बाद सारे आपको ही करने होंगे, ठीक है। तो सिक्स की पहले फोर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सिक्स फोर जा 24, 24 का फोर इधर, आगे की टू जो है वो क्या है, ठीक है। सिक्स सिक्स जा 36, 36 प्लस 2 38, 3 कैरी आ गया, ठीक है। 6 5 जो 30, 30 प्लस 3 33 हो गया, 33 का लास्ट का 3 इधर और जो आगे का 3 है वो कैरी, ठीक है। अब 6 की 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 7 जो 42, 42 प्लस 3 45, ठीक है। अब हमने सिक्स की इन सभी से मल्टीप्लाई करवा दी, अब हमें सेवन की इन सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, ऊपर की कैरी में हटा देती हूँ क्योंकि न्यू कैरी अब हम लगाएंगे। अब पहले सेवन की फोर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सेवन की सिक्स से, फिर सेवन की फाइव से, फिर सेवन की सेवन से, हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई करवानी होती है, ठीक है। ऊपर जितनी भी डिजिट लिख रखी है उन सभी से वन बाय वन करके, पहले सेवन की फोर से करवाएंगे, सेवन फोर जाओ 28, 28 का जो लास्ट के डिजिट है 8 वो हमने यहाँ पर लिखी है, जो आगे के डिजिट है वो कैरी लगानी है, कहाँ पर लगानी है, हमने इसकी से मल्टीप्लाई करी है तो कैरी नेक्स्ट डिजिट के ऊपर लगती है, तो कैरी यहाँ पर आएगी, ठीक है। सेवन सिक्स 42, 42 प्लस 2 44, 44 का 4 इधर, 4 कैरी नेक्स्ट डिजिट पे। सेवन फाइव जा 35, 35 प्लस 4 39, 39 का 9 इधर, 3 कैट नेक्स्ट डिजिट पे। अब 7 की हम करवाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई 49, 49 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 52, ठीक है। हमने सभी से करवा दी 7 की मल्टीप्लाई, जितनी भी ऊपर डिजिट थी फिर कैरी मैंने इरेज कर दी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऊपर प्लेस सिर्फ इतना ही है, इसलिए मैं बार बार इरेज कर रही हूँ, को जरूरत नहीं है करने की, आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। अब 8 फोर जा, अब 8 की सबसे करवाएंगे, पहले 8 की किससे होगी, 4 से मल्टीप्लाई, 8 फोर जा 32, 32 का 2 इधर, 3 आगे कैरी नेक्स्ट डिजिट पे, इसकी इससे करवाएंगे ना मल्टीप्लाई, तो 3 नेक्स्ट डिजिट हमारी ये हुई, इस पे कैरी आएगा। 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 कितना होगा 51, 51 का 1 इधर, 5 नेक्स्ट डिजिट पे कैरी, ठीक है। 8 5 जा 40, 40 में कैरी ऐड करेंगे 5, तो कितना होगा 45, 5 इधर, 4 नेक्स्ट डिजिट पे कैरी, ठीक है। 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 कितना हो गया 60, ठीक है। अब हमें करवानी है ऐड, अब हम ऐड करवाएंगे, ठीक है। 4 और ये क्रॉस जो लग रहा है मींस यहां पर 0 है, 4 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो गया 4, ठीक है। 8 प्लस 8 कितना होगा 16, 16 का 6 इधर, 1 जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर कैरी आ जाएगा, छोटा सा मैंने लिख दिया, ठीक है, इधर याद रख लो एक 1 कैरी पे है। 3 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 10, ठीक है, वो कैरी भी तो ऐड करिए ना, 3 प्लस 4 प्लस 2
थ्री प्लस फोर प्लस टू हंड्रेड पर नाइन, नाइन पे वन कैरी एड करी टेन हो गया था। नेक्स्ट वाली वैल्यू के ऊपर हमने वन कैरी लगा दिया। अब फाइव प्लस नाइन प्लस वन कितना होता है हमारे पास, फिफ्टीन। फिफ्टीन में अगर हम वन ऐड करते हैं कैरी वाला तो कितना हो जाएगा, सिक्सटीन। सिक्सटीन प्लस सिक्स इधर, नेक्स्ट वाली वैल्यू के ऊपर वन कैरी, ठीक है। फोर प्लस टू प्लस फाइव कितना हो गया, इलेवन। इलेवन में वन ऐड किया तो ट्वेल्व हो गया, यहाँ पर वन कैरी। नेक्स्ट पे फाइव प्लस जीरो फाइव भी होगा, कैरी ऐड करेंगे सिक्स, ठीक है। और ये लास्टली सिक्स, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया हमारे पास, सो द आंसर इज 66,26,064। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब आगे बताए इसमें डेसिमल पॉइंट हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर, थ्री डिजिट है, ठीक है। इस वैल्यू की यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बेटा, टू डिजिट है। अब सम करवाएंगे, ठीक है। सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल, तो थ्री प्लस टू कितना हो गया हमारे पास, फाइव, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसकी, 7.564 की, किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 8.76 से, तो हमारे पास कितना आया, 66,26,064, ठीक है। अब हमें डेसिमल पॉइंट लगाने हैं बेटा, वो कहाँ लगेगा, जितना दोनों का सम करने के बाद आता है, ठीक है। फाइव आ रहा है हमारे पास, तो लास्ट से फाइव डिजिट काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, इससे पहले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 66.26064, ठीक। देखिए बेटा नेक्स्ट, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। Firstly, मल्टीप्लाई किसकी किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 255 बाय 30। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा डेसिमल पॉइंट से आगे जीरो है, ठीक है। 0.255 है ये हमारे पास, अगर हम इसको लिखते हैं तो हम इसको 255 से राइट करेंगे, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट से पहले जीरो है ना, वो लगाने की नीड नहीं है। अगर कुछ और वैल्यू होती, कोई और डिजिट होती तो इस टाइप से हम लिखते, ठीक है। बीच में से डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के आगे जीरो है इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, 255 की 13 से मल्टीप्लाई करवानी है। पहले 3 की 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 3 की इस 5 से करवाएंगे, फिर 3 की 2 से करवाएंगे। 3, 5 से बेटा कितना होता है, 15, 15 का 5 इधर, नेक्स्ट डिजिट के ऊपर 1 कैरी, 3, 5 का 15, 15 प्लस 1 ऐड किया 16, 16 का 6 इधर 1 कैरी, 3, 2 का 6 और 1 ऐड किया 7, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट पे आ गए हम मल्टीप्लाई करवाने के लिए, इसलिए यहाँ पर एक क्रॉस लगा देते हैं। 1 की 5 से मल्टीप्लाई करवाई 5, 1, 5 का 5, 1, 2 का, अब ऐड करवाएंगे यहाँ पर अब हम, ठीक है। 5, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा, 11, 11 का 1 इधर, नेक्स्ट वैल्यू पे 1 कैरी, ठीक है। 7 प्लस 5 हो गया हमारे पास 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 13 का 3 इधर, 1 कैरी, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3। सो द आंसर इज 3,315। अब डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, देखिए बेटा सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल, हमें अब सम भी करवाना है ना। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 3 प्लस, यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 5, ठीक है। हमने सम करवा दिया डेसिमल पॉइंट्स के डिजिट्स का, सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल, पहले हम सम करवाते हैं उसके बाद हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे कि एग्जैक्टली डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो हमने 0.255 की अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.13 से, तो कितना आएगा हमारे पास, 3,315। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, 5 डिजिट,
से 1 2 3 4, इसके बाद पास तो है ही 5 डिजिट, तो अपनी साइड से आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। लगा दिया 0, उससे पहले डेसिमल पॉइंट, अब 5 डिजिट हो गए ना, काउंट करो 1 2 3 4 5, हो गए 5 डिजिट कंप्लीट, ठीक है। उसके आगे कुछ नहीं है बेटा, तो अपनी साइड से 0 लगा देंगे। सो द आंसर इज दिस 0.03315। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि बेटा ये दे रखा है 350, हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है 5 डिजिट पहले। मैं क्या हूँ, 5 डिजिट है हमारे पास, डेसिमल पॉइंट लगाओ। तो आपने तो यहाँ से काउंट करी 1 2 3 और डेसिमल पॉइंट लगाना है 5 डिजिट पहले, तो कैसे लगाओगे 1 2 3, अपनी साइड से 0 लगाओगे 4 5। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ गया, अब डेसिमल पॉइंट के आगे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 0 लगा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से सिर्फ आपको मैंने समझाया कि किसी क्वेश्चन में बाय चांस अगर इस टाइप से हो जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ था ना अभी, 5 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट लगाना था, तो अपनी साइड से बेटा आगे 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन होंगे हमारे। बेटा ये मल्टीप्लाई के ही सभी क्वेश्चंस है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, बाकी के पार्ट्स आपको खुद ट्राई करने होंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करवाइए। और लास्ट में जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कीजिए, ऐड कीजिए, ठीक है, दोनों का सम कीजिए, और जो ये आपका आंसर आता है मल्टीप्लाई करवाने के बाद, फिर लास्ट में डिजिट्स काउंट कीजिए और वहां पर फिर अपने डेसिमल पॉइंट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे, फिर विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।